2022 गुजरात चुनाव में पहले चरण का मतदान आज है पहले चरण में 19 जिलों की नवासी सीटों के लिए दो करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले चरण में कुल सात उम्मीदवार मैदान में हैं इन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी गुजरात में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है गुजरात चुनाव को लेकर राहुल ने भी बड़ी बात कह दी है तो क्या कहा है राहुल गांधी ने देखते हैं ये रिपोर्ट गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है इस दौरान अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला दरअसल वो साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने के लिए घर से बूथ तक पहुंचे और फिर मतदान किया गैस सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये अलग तरीका अपनाया है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात के लोगों को बड़ा संदेश दिया है उन्होंने लिखा कि गुजरात के सभी भाई बहनों से अपील है वोट करें रोजगार के लिए सस्ते गैस सिलेंडर के लिए किसानों की कर्जा माफी के लिए गुजरात के प्रगतिशील भविष्य के लिए भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाए पिछले ढाई दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार गुजरात में अपना किला बचाना मुश्किल नजर आ रहा है बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लिखा गुजरात की सात करोड़ जनता परिवर्तन के लिए एकजुट है मतदान में भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है इस बार गुजरात में पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पहले चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ाई थी तो वहीं बीजेपी पीएम मोदी का बचाव करती नजर आई थी गुजरात में पहले चरण के लिए 19 जिलों की नवासी सीटों पर गुरुवार सुबह आठ बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है पहले चरण में सौराष्ट्र और कच्छ की चौवन और दक्षिण गुजरात की पैंतीस सीटों पर वोटिंग जारी है इस तरह इस इलाके की सभी सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होना है पहले चरण में कांग्रेस और बीजेपी ने सभी नवासी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने अठासी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं इसके अलावा बीएसपी एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं डीबी लाइव की रिपोर्ट